इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ़ोन पेपर इस तरीके से लिखा हुआ आता है रिसीवर अकाउंट इनवैलिड, यू हैव एंटर द इनवैलिड अकाउंट और वीपीए डिटेल्स फॉर द रिसीवर, तो यहाँ पर क्या दिक्कत रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको वीपीए समझना पड़ेगा कि क्या होता है वीपीए। एंड अगर हम यहाँ पर अपना इनवैलिड अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, यूपीआई आईडी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो शुरू में ही क्यों नहीं दिखा रही, अब बाद में क्यों दिखा रही है कि हमारा जो है वीपीए यहाँ से डिलीट, मतलब कि है ही नहीं, यहाँ पर इनवैलिड है। तो ये सब बहुत तगड़ा लोचा है, समझने की कोशिश करिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, और वीपीए है क्या ये भी बताऊँगा। पहले यहाँ से मैं मिनिमाइज आ गया और अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, देखिए थोड़ी सी यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको चार पांच चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, दो तीन चीज़ों को तो चेक करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। देखिए अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है या एक्सिस में अकाउंट है, जो रिसीवर करने वाला है, जो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर का भी चेक करना है और अपना भी चेक करना है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सिस में ले चलता हूँ, एक्सिस मोबाइल ऐप में, और यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, और लॉगिन कर देते हैं हम यहाँ पर कोड डालकर। अब यहाँ पर जो है सीधा आप डायरेक्ट चेक करिएगा डेबिट कार्ड को, डेबिट कार्ड पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है आपको यहाँ पर, जैसे हम क्लिक करते हैं डेबिट कार्ड को खोलते टाइम या रीसेट करते टाइम या कोई सेटिंग्स करते टाइम, यहाँ पर डेबिट कार्ड आपको नो मोर दिखाता है या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई इशू दिखाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है देयर इज नो डेबिट कार्ड रजिस्टर्ड इन योर नेम। उसके बाद आप जो है अगर आपका कोई और सा अकाउंट है, देखिए समझिएगा, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, वीपीए भी समझिएगा कि वीपीए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर भी चेक, जो भी ऐप में भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ से भी मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी खोल लें, यहाँ पर हम कोड डालकर इसे लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी डेबिट कार्ड वगैरह में चेक कर लेते हैं कि यहाँ से खुलता है या नहीं, यहाँ पर भी इसी तरीके से दिखाता है, तो उसके बाद जाइएगा, मतलब बंद दिखाता है आपको डेबिट कार्ड, तो आप जाइएगा सीधा फोन पे पर उसके बाद, ठीक है, फ़ोन पे को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप जो है जाइएगा सीधा यहाँ पर टू बैंक यूपीआई वाले ऑप्शन पर, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस जाने के बाद यूपीआई वाले सेक्शन पर चले जाना है, यहाँ से ऐड करना है यूपीआई। अब यहाँ पर यूपीआई नंबर डालिए और देखिए आगे का जो सिस्टम है वो ढंग से देख लीजिएगा कि कौन सा है आपका, ये मैच खाना चाहिए आपका, ठीक है, अगर मैच नहीं खाता है सही तरीके से तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि वीपीए होता क्या है। देखिए वीपीए होता है एक जो है जो का पेमेंट एड्रेस रहता है वो रहता है, ठीक है, जिससे हम पैसे भेजते हैं वो एक वीपीए रहता है, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रहता है। अगर ये कभी भी गलत हो जाता है तो दिक्कत आती है। अब हमें ये दिक्कत क्यों आती है कि इनवैलिड बता रहा है, बाद में बता रहा है, स्टार्टिंग में नहीं बता रहा, तो सिंपल से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मेरी आईडी थी उससे हमारा डेबिट कार्ड बंद हो चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया, तो उसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रही है अब हमारी आईडी, और उसकी वजह से ही हमें इस तरीके से इनवैलिड वीपीए एड्रेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप बैंक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि क्यों बंद हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सिस वाला तो मैंने अकाउंट ही बंद कर दिया है, और बीओबी वाला यहाँ पर डेबिट कार्ड बंद कर दिया है, तो उस वजह से दिक्कत आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बाकी ये प्रोसेस रहता है इसका इजी सा। अगर यहाँ पर आपको समझ में आई और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।